हेलो स्टूडेंट, तो अभी क्या है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। जैसे SBI BCom लेकर तैयारी कर रहे हैं और हम मॉक भी लगा रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कि अभी प्रीलिम्स पे फोकस करें या मेंस पे फोकस करें, क्या करना चाहिए। तो आई सजेस्ट यू कि अभी आप प्रीलिम्स पे फोकस करिए। देखो क्या है कि मेंस अभी तक आप पढ़ रहे होंगे साथ साथ, अभी आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मोस्टली आप प्रीलिम्स पे फोकस करिए, सैटरडे संडे में एक या दो दिन, वीक में एक या दो दिन आप मेंस के लिए मॉक लगाइए, मेंस पे आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो प्रीलिम्स पे देना है, क्योंकि मेंस का देने का सौभाग्य तभी मिलता है जब आप प्रीलिम्स के लिए करते हैं। तो इसलिए पूरा फोकस हमारा किस पे जाना है, प्रीलिम्स पे जाना है। वीक में एक या दो दिन आप मेंस को अभी प्रैक्टिस करिए, मेंस का जैसे एक दो मॉक दे सकते हैं, कुछ टॉपिक्स पे ध्यान दे सकते हैं। तो वीक में एक या दो दिन आप मेंस पढ़िए और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जो करिए आप किसकी करिए, प्रीलिम्स की करिए, क्योंकि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम पास आ रहा है और पूरी तरह से कोशिश करनी है कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम निकले। और प्रीलिम्स का एग्जाम निकलने का फिर ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तो उसमें आप मेंस पे फोकस करोगे करोगे। तो अभी आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है प्रीलिम्स पर, ठीक है। वीक में कम से कम 5 दिन आपको प्रीलिम्स पे ध्यान देना है, उसके मॉक लगाना है, प्रैक्टिस करना है, और एक या दो दिन आप अभी मेंस पे ध्यान दे सकते हैं। और जैसी आपकी जो एडमिट कार्ड आ जाता है, एग्जाम डेट आ जाती है, जैसी एग्जाम डेट आ जाती है तो फिर आपको पूरी तरह से प्रीलिम्स पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को अपनी स्ट्रेटजी में इंक्लूड करो और प्रीलिम्स में पूरा दिमाग लगाओ कि किस तरह से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, सारे सब्जेक्ट पे किस तरह से ध्यान दे सकते हैं। तो इस रेस्पेक्ट में पूरा आप कोशिश करिए। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।